हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास सिक्स का मैथ्स कर रहे हैं और आज एकदम कंप्लीटली न्यू टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों आपके लिए। तो ये टॉपिक है होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। क्या है पूर्ण संख्याएं? तो कौन सा चैप्टर है ये? आपको पता होगा ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो दूसरा अध्याय है ये आपकी पुस्तक का। और बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में अलग अलग चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लो बच्चों। इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूं, इसका परिचय एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे होल नंबर्स क्या होते हैं ये मुझे बताइए। होल नंबर्स पढ़ा है किसी ने? पता है किसी भी बच्चे को कि होल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, काउंटिंग तो सबने यहाँ पे पढ़ी होगी, है ना? काउंटिंग सबने, सबको पता होगा काउंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, 0 से काउंटिंग शुरू करके आप चाहते हो इनफाइनाइट तक, तो वो हो जाते हैं सभी के सभी होल नंबर्स। अब ये चीज समझ में आ गई। एक चीज आती है नेचुरल नंबर्स, ये तो जरूर पता होगा आपको। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? जैसे होल नंबर हम काउंटिंग शुरू करते हैं होल नंबर्स में 0 से, वैसे ही नेचुरल नंबर्स में हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on, ये हो जाते हैं नेचुरल नंबर। तो बच्चों होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर है? छोटा सा अंतर है, होल नंबर्स में आप 0 भी लिखते हैं जबकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं लिखते। ठीक है, जीआईसी श्रीकोट, जीआईसी श्रीकोट, बेटा मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। अभी भी जो सामने बैठा है, सामने बैठे हैं ये भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। बेटा कुछ पूछना है आपको, सामने आ जाए पहले, तो बीच में सेंटर में आइए बेटा। जिसके पास भी माइक है सबसे पहले आप सेंटर में आइए। आप दिखाई नहीं दे रहे और खड़े होके बात करेंगे। शाबाश, बोलिए। हाँ आप बोलिए। ये सभी बच्चे हैंड रेज क्यों कर रहे थे बेटा? कुछ पूछना था? शाबाश, बोलिए। बच्चे हाँ या ना में जवाब दो, आपको कुछ पूछना है। हाँ नहीं पूछना? चलिए कोई बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। तो बच्चों अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपसे कुछ पूछा जाए, हाथ खड़ा करने के लिए बोला जाए, तभी आप हाथ खड़ा करें। ऐसे बेफालतू में हाथ खड़ा करके कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, कंफ्यूजन क्रिएट करने से बचें। अब देखिए आपकी वजह से कम भी 5 मिनट वेस्ट हुए हैं सभी बच्चों के। आपके तो हुए ही हैं, बाकी बच्चों के भी 5 मिनट वेस्ट हो गए आपकी वजह से। तो ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। अगर आपको जेन्युइनली कुछ पूछना है या फिर आपको बोला जाए हाथ खड़ा करने के लिए, सिर्फ तभी हाथ खड़ा करें आप, ठीक है? तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, अब देखते हैं किसका हाथ उठता है। मुझे कोई बता सकता है इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? अब इसका आंसर जिसको पता हो हाथ खड़ा कीजिए। एंड ऑड नंबर्स, इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा?
किसी भी छात्र या छात्रा को इसका आंसर पता हो, इसका उत्तर पता हो, इवन एंड ओड नंबर्स। देखिए इवन नंबर होता है सम संख्याएं, इवन मतलब सम एंड ओड मतलब विषम, ठीक है। सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर ओड नंबर पता है किसी को? नहीं पता, तो इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको चीजों का पता लगेगा। चलिए इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए दो चार छः आठ दस 12 एंड सो ऑन, ये सब हो जाते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। जो भी संख्याएं दो से डिविजिबल हों, क्या बोला मैंने? जो जो संख्याएं दो से भाज्य हों उनको बोलेंगे हम इवन नंबर्स या फिर सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या हो जाती हैं? एक तीन पांच सात नौ 11 13 एंड सो ऑन। तो देखिए विषम संख्याएं क्या हो गई? ऑड नंबर्स इनको बोलते हैं जो भी दो से भाग नहीं होती हो, ठीक है। जो इवन नंबर लिख के बाकी के आपके नंबर्स बचते हैं उनको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया इवन और ऑड, इसको ध्यान रखेंगे बच्चों आप, ठीक है, और नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम आगे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो बच्चों ये कर लिया है नोट डाउन, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे करने वाले हैं पूर्ववृत्ति, पूर्ववृत्ति और परवृत्ति, दो चीजें हैं ये, पूर्ववृत्ति और परवृत्ति। इनको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? पूर्ववृत्ति हो जाता है प्रेडिकेट प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। अब इसके बारे में किसको पता है बताएंगे बच्चे? अगर किसी को पता है पूर्ववृत्ति और परवृत्ति यानी प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर तो हाथ खड़ा करेंगे। किसी बच्चे को इसके बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी आइडिया है कि क्या होते हैं ये, तो हाथ खड़ा कीजिए आप। तो किसी को पता है? कौन बताएगा पूर्ववृत्ति और परवृत्ति क्या होता है? पूर्ववृत्ति को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेडेसेसर एंड परवृत्ति को बोलते हैं सक्सेसर। तो नाम से ही समझ जाना आप कि पूर्ववृत्ति में पहले का जिक्र हो रहा है, ठीक है, और परवृत्ति में बाद का जिक्र हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक संख्या है 5, ठीक है, इसका प्रेडेसेसर बताना है, इसका पूर्ववर्ती बताना है, मतलब एक नंबर इससे पूर्व वाला बताना है, छोटे वाला बताना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर आपको जानना है प्रेडेसेसर या फिर पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती जानने के लिए हम क्या करेंगे?
में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा? चार। तो पांच का प्रेडेसेसर है चार, पूर्ववर्ती है चार। इसी तरह से अगर आपको सक्सेसर जानना है, सक्सेसर यानी परवर्ती, तो कैसे करेंगे? पांच में एक जोड़ देंगे। सक्सेसर मतलब इससे एक अगली संख्या क्या होगी, और प्रेडेसेसर इससे एक पिछली संख्या क्या होगी। समझ गए बच्चों? तो प्रेडेसेसर और सक्सेसर अगर पूछा जाए तो इस तरह से आप निकाल देंगे। देखिए, पांच का प्रेडेसेसर आ जाएगा चार और सक्सेसर आ जाएगा छह, है ना सिंपल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 670, 670 है, इसका प्रेडेसेसर क्या होगा? प्रेडेसेसर की बात करें तो भाई एक कम कर देंगे 670 में से, कितना आ जाएगा? 669। और अगर सक्सेसर की बात करें तो कितना आ जाएगा? 670+1, एक इससे ज्यादा होगा, 671 सक्सेसर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी संख्या का प्रेडेसेसर या फिर सक्सेसर निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, मैंने ये समझा दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, ये आप करेंगे क्वेश्चन इसके आधार पे। ठीक है, तो सवाल लिख लीजिए। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, यही चीज सीख रहे थे हम, पूर्ववर्ती और परवर्ती कैसे लिखते हैं, है ना। तो आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे 19 फॉर एग्जांपल, 19 आपको दिया गया है, तो इनके आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखने हैं। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और यहां पे हम लिखेंगे परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती लिख लेंगे हम। अब नंबर्स जो हैं वो यहां पे लिख लीजिए आप, जैसे 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1978 हो गया, और उनके सामने 19 का पूर्ववर्ती क्या होगा बच्चों? मतलब 19 में से एक घटा के लिखना है, तो 18 आ जाएगा इसका पूर्ववर्ती, और 19 में एक जोड़ देंगे 20 आ जाएगा इसका परवर्ती। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप निकाल लेंगे सभी नंबर्स के लिए। इंग्लिश में तो पता है आपको प्रेडेसेसर एंड
सक्सेसर, यही बोलते हैं। तो जैसे हमने ये किया है, अगर मैं इसकी बात करूं 1978, तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, एक संख्या इससे पहले, तो इसमें से एक घटा दीजिए आप, एक घटाने के बाद क्या आएगा 1977, और एक अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1979, है कि नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। तो चलिए फटाफट बाकी के आंसर्स मुझे दीजिए क्या होंगे, जैसे आपके आंसर आ जाएंगे आप अपने आंसर चैट के माध्यम से भेज देंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, जिस जिसका आंसर आ गया है आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए। बाकी देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन, ये कर लिया है हमने, ये भी कर लिया है, इससे अगली संख्या क्या है 11,000, है ना, और उससे अगली संख्या है 49, उससे अगली संख्या है 1,00,000, ठीक है, उससे अगली संख्या ये लिख लेंगे आप, चौबीस लाख 40,710, उससे अगली संख्या आप लिख लेंगे 10,199। पहले इनको कर लेंगे, है ना, बाकी बाद में करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या है आपके पास 11,000 है, 11,000 का परवृत्ति सक्सेसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11,000 का सक्सेसर निकालने के लिए इसमें एक जोड़ देंगे, और 11,000 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11,001, यही आएगा। लेकिन इसका प्रेडेसेसर अगर निकालना है आपको 11,000 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो एक घटा देंगे इसमें से, कितना आएगा 9, यहां भी 9, 9, और यहाँ पे 0, यहाँ पे ये आ जाएगा 10,999। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 10,999, ये इसका प्रेडेसेसर हो जाएगा, और 11,100 इसका सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 49 है, है कि नहीं, तो 49 का प्रेडेसेसर हो जाएगा 48, एक घटाना है इसमें से, और इसका सक्सेसर हो जाएगा 50, ठीक है। अब नंबर कितना ही बड़ा आ जाए, प्रेडेसेसर निकालेंगे या सक्सेसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों, प्रेडेसेसर मतलब एक घटाना है उसमें से, सक्सेसर मतलब एक ऐड करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। ये तो हो गया प्रेडेसेसर के लिए, हम एक घटा देंगे इसमें से, कितना आ जाएगा 9,99,999, 1,00,000 का प्रेडेसेसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, एक जोड़ना है इसमें तो अलग से जोड़ने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट अगर एक जोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको सीधा, ठीक है, 1,01,000 आ गए। चलिए आगे करते हैं, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24,40,709, है ना, 710 में से एक घटा देंगे तो 709 आ जाएगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा, और इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24,40,711, ठीक है।
इस तरह से कर देंगे। अब 10,199 है, इसमें से एक घटा देंगे तो 10,198 बच गया, और एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,200। ठीक है, अब कौन सा बचा, ये बचा है, इसका प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर आप खुद लिखेंगे। ठीक है, ये होमवर्क में दिया है मैंने, बस एक नंबर है इसको आप लिख सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखिए जो नया टॉपिक है आज का वो स्टार्ट कर दिया है, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, तो उनका इंट्रोडक्शन किया है, बेसिक चीजें अभी तक की हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज जरूर करें ताकि एक्सरसाइज के जब मेन क्वेश्चंस पे पहुंचे तो अच्छे से उनको आप कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।